अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन दिस इज सुहेल अंजुम हेयर। तो बिटकॉइन का हमने चार्ट खोला हुआ है, ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। यू कैन डिसाइड और यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द टाइम इन विच यू वांट टू सी। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली ये मैंने वीकली का इस वजह से खोला था कि मैं देख रहा था कि 11th ऑफ दिसंबर 2017 के करीब ये हमें ऑलमोस्ट 20K के करीब जाता हुआ मिला था, और अभी अगेन हमें ये ऑलमोस्ट वहां पर ही हॉवरिंग करता नजर आ रहा है। बट द थिंग इज, एक जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जो वॉल्यूम की सूरत हाल थी वो कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू नाउ। देर इज अ सच अ गुड वॉल्यूम, ये इंडिकेशन दे रहा है कि देर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफकोर्स CME ट्रेडिंग। CME हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में कि वो उनकी क्या अहमियत है CME की। बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि CME का भी ट्रेडिंग के साथ क्या लिंक है। तो जस्ट आई वांट टू टेल के बिफोर एंड आफ्टर 2020 एंड बिफोर 2021 और ये 2018 के एंड में जो आपको एक वॉल्यूम में चेंजेस नजर आ रहे हैं, कश्मीर के ये एक हेल्दी ग्रोथ है, और आने वाले वक्त में मीनवाइल 2021 और 2022 तक आप एक अच्छा गेन इसको इसमें देखते हुए देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली इट्स अ बेसिक रिस्क मैनेजमेंट और व्हाई इट इज नेसेसरी। ये मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब मैंने स्टॉप लॉस वगैरह आपको पढ़ाए थे। तो मैंने कहा था कि हम बेसिक रिस्क मैनेजमेंट में मैं एक कंप्लीट लेक्चर ही बनाऊंगा, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलें आज एक लेक्चर बनाते हैं। लेट्स अज्यूम वी ऑल गो टू कसिनो। सिर्फ प्लीज अज्यूम ही कीजिएगा, मैं कसिनो में बिल्कुल नहीं हम जा रहे। बेसिकली मैं आपको टीच जो करवाना चाह रहा हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट करवाना चाह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। कसिनो चलते हैं जनाब। ऑल दो प्लीज, ये मैं सिर्फ फॉर द टीचिंग पर्पज कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कसिनो में जब जाते हैं तो होता ये है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपने आपके पास पूरे कसिनो में एक पूरा दिन होगा, आप पूरा एक दिन कसिनो में गुजारेंगे और आपके पास चांस है कि आप $150 विन कर सकते हैं, ठीक है। एक चांस हो रहा है कि जी आप $100 लॉस कर सकते हैं, ठीक है जी, आप $100 का लॉस कर सकते हैं या आप $150 विन कर सकते हैं फॉर दैट डे ओनली। यानी कि एक दिन में आप $150 या तो विन करेंगे या $100 लॉस करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी केयरफुल विद द अटेंशन, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये, मैंने इंट्रो लेक्चर में भी कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे इस कोर्स का इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो मैं गलत नहीं हूँगा। अच्छा जी, तो ऐसा है कि अगर आपने, आपका चांस था कि आपने $150 विन कर लिए और उसके बाद जनाब आपने क्विट किया और नाउ यू आर गोइंग टू होम, इन द सेम मैनर आपने $100 या तो लॉस कर दिए और उसके बाद आपने क्विट किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू होम। प्लीज, ये जो मैंने कैसीनो का एग्जांपल लिया फॉर द टीचिंग पर्पस ओनली, ताकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट बता सकूं, जस्ट प्लीज कीप इट एज अ लर्निंग पर्पस आल्सो, ठीक है। तो आप या तो 150 विन कर सकते हैं या 100 का लॉस कर सकते हैं, आपके पास दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जब मैं अपने व्हाट यू कैन विन डिवाइडेड बाय व्हाट यू कैन लॉस, अगर मैं इस रेशो को इसकी रेशो लेता हूँ, तो मेरे पास जैसे मैं मैक्सिमम विन क्या कर सकता हूँ 150, ठीक है, और मैं मैक्सिमम लॉस क्या कर सकता हूँ 100। तो मैं एक मेरे पास एक एक रेशो आएगी जो कि होगी 1.5, ठीक है। ये कैसे मिली कि मैं मैक्सिमम मेरी विन क्या है, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, तो 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच मीन्स वी कैन विन 1.5 मोर टाइम्स देन वी कैन लूज, सो वी कॉल्ड 1.5:1। ये मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कि मैं 1.5 मोर विन कर रहा हूँ, जो मेरी $100 जो कि मैं मैक्स लूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। जो मेरे मैथमेटिक्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन मैं सिंपली आपको बात करने का मकसद यह है कि 150 आपके मैक्सिमम विन है, 100 आपका मैक्सिमम लॉस है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये एक नंबर आता है, ये आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.5 times मोर आई कैन विन देन 1, ठीक है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है। ये आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में चेंज भी कर सकते हैं,
इसमें एक हमें टूल भी बहुत हेल्प करेगा, लॉन्ग का टूल है वो हमारे ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, मैं उसको आज डीपली स्टडी करूंगा इंशाल्लाह ताला, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉमनली रिटर्न एज आर रेशो आर, ठीक है। तो हम थोड़ा एनालिसिस ये करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपको पता है कि आप ईच गेम में 150 या तो आप विन कर सकते हैं या 100 आप लॉस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आप अपने आप से पूछें कि आप कितना लॉस कर सकते हैं या कितना विन कर सकते हैं। देर आर 10 डेज, आपके पास 10 दिन है, ठीक है, आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में आपने या तो 150 ईच डे लॉस कर विन करना है या 100 आपने ईच डे लॉस करना है। अच्छा, ऑल दो हमने अपने मॉड्यूल 1 में कैंडलिक स्टडी को पढ़ा, हमने काफी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स को पढ़ा, जिसमें आरएसए पढ़ा, मैप भी पढ़ा, हमने मूविंग एवरेजेस को स्टडी किया, और हमने आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेज एंड कैंडलिक स्टडी को स्टडी कंडक्ट करने के बाद ये सारे टूल्स हमें, ये सारे इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं अच्छी ट्रेड करने में। चलिए मैं फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करता हूँ कि आप 10 ट्रेड्स हैं, 10 डेज हैं, आपने वैसे तो सक्सेस रेशियो आपका 70% होना चाहिए इन सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स को पढ़ने के बाद, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जी आप 50% ही विन कर पाते हैं और 50% ही आप लॉस कर पाते हैं। मतलब ये कि आप 5 दिन या तो विन किए हैं या 5 दिन आप लॉस किए हैं, राइट, अंडरस्टैंड, और शुड आई रिपीट अगेन? ओके, रिपीट अगेन, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास 10 दिन हैं, 10 दिन में आपने ईच डे या तो $150 विन कर सकते हैं या $100 लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ कि चलें जी हम सिर्फ 50% ही विन कर पाते हैं, मतलब 5 दिन हम जीते हैं, विन किए हैं, और 5 दिन हम लॉस किए हैं, ठीक है। तो मैंने वो डेज को इस तरह कैलिब्रेट, इस तरह स्केल आउट कर दिया है कि जी 10 डेज थे और 10 डेज में आप 5 दिन विन किए, 5 दिन लॉस किए। फर्स्ट करें डे 1 से लेकर मैंने इनको जी डे 10 तक इसको मैंने लिख दिया कि जी डे 1 में आप $150 जीते हैं और डे 2 में आप घर चले गए 150 के बाद। आप डे 2 में आए, आपने जनाब कैसीनो में गए एंड देन आपने $100 लॉस कर दिए, एंड नाउ मैंने ब्रेकर लगाया कि जाओ जनाब घर जाओ, नो मोर ट्रेडिंग। इन द सेम मैनर आप डे 3 आए एंड अप टू डे 10। तो हम अपने लूजिंग एंड विन्स जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने एक वर्ष के सिनेरियो, वर्ष तो नहीं, मतलब एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। वैसे आपका सक्सेस रेशियो 70% होना चाहिए आफ्टर लर्निंग ऑल द टूल्स एंड इंडिकेटर्स, आफ्टर लर्निंग ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस, आफ्टर लर्निंग ऑल द एक्सपर्ट ओपिनियंस। तो अगेन वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि हम जस्ट जनाब हम 50% ही विन कर पाते हैं। तो विन डेज हमारे ये थे डे 1, डे 3, डे 6, डे 7। तो हम 5 विन किए, लूजिंग डे में आते हैं, तो मैं डे 2 और डे 4 और डे 5, डे 8, डे 10, इसमें हमने लूज किया। तो 5 विन जब हमने किए $150 को लेके, तो हमने बनाए जी $750, ठीक है। 5 लॉसेस जब किए $100 के इन 10 डेज, तो हमने $500 का लॉस किया। अगर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें, प्रॉफिट ये था कि 750 जो हम विन्स किए टोटल आउट ऑफ डेज 10, और 500 हम लॉस किए आउट ऑफ इन 10 डेज, तो 2 × $250, यू आर स्टिल in $250 प्रॉफिट, राइट। ये हमें क्या चीज बताती है कि जब आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशो को मैनेज कर रहे हो, आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का जस्ट जो रिस्क रिस्क कर रहे हो कि वो 1% मैं रिस्क करूंगा और मैंने जो टेक प्रॉफिट लेना है वो मेरा 1.5% पे जाके होगा। अगर आपको इस चीज की मेरी समझ नहीं आई, प्लीज डोंट वरी, आई एम गोइंग हेयर और मैं यहाँ पर एक टूल ऐसा डिस्कस करूंगा जो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो बेसिकली जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है, ये आपकी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। यू शुड नो कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितने परसेंट इन्वेस्ट करके कितने परसेंट पे रिवॉर्ड लेना चाह रहे हो और कितने परसेंट पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्पॉट ट्रेडिंग में तो ये चीज़ आसान है, स्पॉट ट्रेडिंग में अगर देखें तो लोग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपली मतलब यह है कि आपने टिप में बाय कर रहे हो, टिप मीन के जैसे कॉइन या किसी प्रोजेक्ट की प्राइस लो है वहां पर उसको बाय कर रहे हो एंड देन यू आर एमिंग कि मैं इसको हाई प्राइस पे सेल करूंगा, तो ऑफकोर्स यू आर ऑल्सो सेलिंग। लेकिन आपको फिर भी आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बाज अवकात डेड हो जाते हैं एंड देन इट्स बेटर टू सेव योर मनी रादर के यू
यू शुड बी स्टक फॉर द लॉन्ग टाइम, और आप उसका वेट करें कि जी कब अब ये प्रोजेक्ट उठेगा, एंड देन आपकी जो मनी है ब्रेक इवन पे आएगी, और देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो चलते हैं बकायदा टूल्स की तरफ, अपने टूल की तरफ, जो मैं जिससे आपको अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर 1.5 है और हमने इसको मैनेज किया है 1.5:1, कि हमने अपनी प्रोबेबिलिटी रखी है कि हम 1.5 times मोर विन करेंगे अपने लॉस से। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट मी टेक अ लोअर टाइम फ्रेम और मैं उस इंडिकेटर को आपके सामने अप्लाई करता हूँ। ये जाना है, ये पेन आपके टूल्स का कहलाता है, ये पेन आपके इंडिकेटर्स का कहलाता है। यहाँ से हमने एक टूल पकड़ना है लॉन्ग का, ठीक है? आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजिशंस के टूल मिलेंगे। शॉर्ट की मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, लॉन्ग को हम पकड़ते हैं। ये टूल्स कुछ ऐसा दिखता है कि जी मैं जब इसको लगाता हूँ तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल इसकी बन जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपको इसकी तीन, एक आपकी एंट्री प्राइस, एक आपका स्टॉप लॉस प्राइस, ये जो रेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस होता है, और ये पोर्शन जो आपको नजर आएगा ये आपका टेक प्रॉफिट आप इसको पोर्शन कह सकते हो, ठीक है? टेक प्रॉफिट पोर्शन है ये। लेट मी हाईलाइट कि ये जो आपका पोर्शन आएगा, हियर इज माई ब्रश, ठीक है? ये आपका है टेक प्रॉफिट, ये आपका एंट्री पॉइंट है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेट मी टीच यू कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, ये मैंने जैसे ही टूल लगाया है, मैं इसको जरा कैलिब्रेट और कर लेता हूँ, या मैं अपने इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये जो ड्राइंग है। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही लॉन्ग, अपनी लॉन्ग पोजिशन का टूल लेता हूँ। लॉन्ग पोजिशन क्या है कि मैंने एक डिप में चीज बाय कर ली है, मुझे मेरा एंट्री पॉइंट पता था, अब मैं उसको एम कर रहा हूँ कि मैं किस पॉइंट पे जाके सेल करना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट करें, ये मेरा टूल है और इस पे मैंने आपको तीन चीजें बतानी है। जब हम इसको लगाते हैं इस तरीके से, तो ये देखें, ये तीन वैल्यूज लिख देता है। जब रेड की जो लास्ट वैल्यू है वो है 5079, 5079, 7763, एक उसने ये वैल्यू हाईलाइट की, एंड दिस वन इज 15544। इसका मतलब ये है कि ये आपकी टेक प्रॉफिट प्राइस है, ये आपकी एंट्री प्राइस है, ये आपकी स्टॉप लॉस प्राइस है, एंड वी कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। दिस स्केल वी कैन मैनेज, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1.5 होनी चाहिए, ठीक है? आवर बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1.5 से भी आप कम पे जाएं, 1:1 पे चले जाएं। 1.5 मीन्स कि आप 1.5% मोर आपके चांसेस हैं कि वो थोड़ा लेट हो जाए। चलिए मैं इसको इस यहाँ से समझाता हूँ कि आवर फर्स्ट करें से रेड आवर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज सॉरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज 1:5, ठीक है? 1:5:1। अब ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है कि ये कैलकुलेट कैसे होती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक सिंपल नंबर लेता हूँ कि जी मेरी $10,000 पे एंट्री है। फर्स्ट करें जी, मैं इसको $10,000 पे लेके जाता हूँ। इसको मुझे और थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। अच्छा जी, 10,000, देखें जी, 10,000, चले जी ये, ओहो, ओके, नो प्रॉब्लम। 10019 पे आपका एंट्री है, और हमने ये कैलकुलेट करने हैं कि हमारा जो 1.5 रेशो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कैसे बनती है और कैलकुलेशन कैसे होती है, ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि रिवार्ड रेशो 3.27 सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं इसको जैसे ही मैनेज करूँ कि मैं अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसे मैंने कहा कि हम 1.5 रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास 1.53 एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो एंट्री प्राइस है, अगर हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखें, फर्स्ट करें जी, एंट्री प्राइस आपको क्या नजर आ रही है वहां पर, जरा देख के मुझे बताएं। एंट्री प्राइस आ रही है सर 1009,
19, ठीक है। और आपकी स्टॉप लॉस प्राइस क्या आ रही है? स्टॉप लॉस प्राइस आ रहा है आपका 9675, 75, ठीक है जी। स्टॉप लॉस प्राइस आपका ये आ रहा है। और आपका टेक प्रॉफिट प्राइस क्या आ रहा है? टेक प्रॉफिट प्राइस क्या आ रहा है, देख के बताएं जरा मुझे। टेक प्रॉफिट प्राइस है जी, ये देखें ग्रीन जो हाईलाइटेड है, 10545, 10545, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो इट्स मीन कि मेरा पूरा लेक्चर आपको ये समझ आ जाएगा कि जब मैंने 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेलेक्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.53 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर देखें कि हमारा जो एंट्री प्राइस है वो है 10019, और हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो 9675 है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट प्राइस है हमारा 10545। ये इस चीज का मतलब ये है कि जो 5% अप जाने पे हम टेक प्रॉफिट ले रहे हैं, और अगर वो कॉइन उस 3% डाउन चला जाता है इस प्राइस से, अगर आप 10,019 डॉलर का 3% लेंगे ना, तो वो यही बनेगा, 9675 ही आएगा जब आप उसमें से माइनस कर देंगे। और एग्जैक्टली जब आप 10,019 डॉलर का 5% कैलकुलेट करेंगे, तो वो जब सम अप करेंगे वो वैल्यू 10,54 ही बनेगा। अगर मैं इस आपको ये इमीडिएटली कैलकुलेट बता दूं, 10,019 का 5%, 5% ऑफ 10,019, ये देखेंगे, इसका मतलब ये कि 500 डॉलर की अप मूवमेंट से, तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 525 डॉलर अप, मतलब 0.24 भी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन द सेम मैनर के 3.44% जब आप 10,019 का लेंगे, तो इतने परसेंट डाउन जाने पे वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है। तो ये आपने मैनेज किया कि मैं जैसे ही अगर प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे चले जाती है, तो मैं अपनी ट्रेड से बाहर आ जाऊं। ओके, हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस, हमने इंडिकेटर्स भी अप्लाई किए, हमने चार्ट्स को काफी दफा हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश की है कि वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब हमने यहाँ पर ही अपना स्टॉप लॉस रखना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ही अपना टेक प्रॉफिट रखना है। टेक प्रॉफिट इज इन योर हैंड, यू शुड नॉट बी टू मच ग्रेडी इन द ट्रेडिंग। आपके अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेटेड है, मैं दावे से बताता हूँ कि आप इसमें मनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप गैम्बलिंग बिहेवियर से आ रहे हैं कि जी ओके लेट्स टेक अ एंट्री और देखते हैं कहाँ तक जाता है, नो, आप अपना रिवॉर्ड मैनेज करें कि मैं 5% पे आई शुड टेक प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। एडवांस्ड अचीव में होता है कि हम पार्ट्स में सेल करते हैं, दिस वन वी कैन डिस्कस लेटर इन आवर लेवरेज ट्रेडिंग, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप डिसाइड करें कि मैंने 5% गेन इन माई टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके इनफ फॉर मी, एंड देन आई विल लीव दिस ट्रेड। अगर आपने देखा कि यार मेरे पोर्टफोलियो में से वो 3% नीचे जा चुके हैं, आई शुड लीव द ट्रेड, मे बी अगर इससे नीचे और जाएगा कि आई विल बी, मैं तो या तो बहुत बुरा स्ट्रक हो जाऊंगा, क्योंकि आप फिर वेट करेंगे ना कब वो ऊपर आएगा, और रादर के आप थोड़े से, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 100 डॉलर में से आप 20 डॉलर लॉस करना मुनासिब समझेंगे, 40, तो आप 20 दे के बकाया 8 डॉलर सेव करें एंड वेट करें कि एक अच्छी एंट्री का, जैसे हमने अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ये भी देखा था कि 150 डॉलर आपने विन कर लिए, जाएं भाई घर, आप सुकून करें, आप इस प्रॉफिट को एंजॉय करें, रादर के आप फिर ट्रेडिंग में लग जाएं और आप अगेन लॉस करते हैं, और इन द सेम मैनर आपने लॉस कर दिया। सो जस्ट प्लीज बी काम, लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर कोई बंदा लॉस करके ट्रेडर, मैं नहीं समझता कि कोई भी इस टाइम अच्छा ट्रेडर को बड़े लॉसेस के बगैर बना होगा। मेरी एग्जांपल है, मैंने बहुत सारे लॉसेस किए हैं, लेकिन मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जब फॉलो किया तो लॉसेस रेशियो कम हो गई है, लेकिन लॉसेस आर स्टिल देयर। टेक्निकल एनालिसिस जो है ये कोई बहुत ऑथेंटिक थिंग नहीं है, इट कैन वर्क फ्रॉम 50% टू 60% कि आप परफेक्ट ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल, कि फंडामेंटली एनालिसिस कैसे, फंडामेंटली कॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है या प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे टेस्ला को आप उठाएं या अमेजोन के जेफ बेजोस साहब आते हैं और वो कोई ऐसी न्यूज डाल देते हैं जिसकी वजह से उसके स्टॉक्स की मार्केट या तो अप चले जाएगी या डाउन चले जाएगी। एलॉन मस्क जो है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं टेस्ला में कि जी हम ये एडिशन कर रहे हैं, वी आर हम एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, जैसे उनका एक ट्रक आया था तो उनके हमें स्टॉक्स में काफी सर्जेस देखने को मिली।
तो ये फंडामेंटली थिंग्स भी काफी अप्लाई हो जाती हैं। तो हमने जो चीज समझनी है कि आपका रिस्क भी कैलकुलेट होना चाहिए। यू शुड नो कि हाउ मच यू आर रिस्किंग, आप कितनी मनी आप रिस्क कर रहे हो और कितना आपका टारगेट है। राइट, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको इस टूल की भी समझ आई होगी कि ये टूल कैसे यूज करना है। आप ये देखेंगे जी, आप ये तो $500 का गेन अच्छा खासा है, आप अपने इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से भी। जैसे देखिए, ये 1:1 का आप ले लें कि जी मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो $10,397 पे है, मेरी एंट्री ये है और ये मेरा स्टॉप प्रॉफिट हो स्टॉप लॉस होगा कि यहाँ पर अगर प्राइस हिट हो जाती है तो आई शुड बी आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। अगेन आपने ये कैलकुलेशन की होगी कि मेरा स्टॉप लॉस इधर ही क्यों लगना है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस इधर ही क्यों होना चाहिए। लेट्स गो टू द चार्ट। यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास एक बिटकॉइन टू यूएसडीटी का बेनेंस की एक्सचेंज का चार्ट है। यहाँ पर मैं बकायदा देख सकता हूँ कि मेरे पास जो एक सपोर्ट आ रही है, दैट इज ये देखें जी, यहाँ पर देखें मेरे पास एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही हैं। और अगर मैं अपनी रेजिस्टेंस को देखता हूँ, यहाँ पर भी देखें, अभी इस टाइम ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है जो हमने वीकली चार्ट में भी देखी। इसको एजिस रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर एक दफा ये ब्रेक हुई तो हमें एक अच्छा खासा स्पाइक और बिटकॉइन की डेवलपमेंट में देखने को मिल सकता है। ये देखें, ये लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई हमारा यहाँ पर था, नाउ अगेन फेसिंग द रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको एक इंडिकेशन दी है कि दिस टाइम वॉल्यूम इज रिमार्केबल। अगर ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला कि इस टाइम वॉल्यूम में अच्छे खासे स्पाइक्स हैं, मीनवाइल के अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। इस टाइम आज का जो मार्केट कैप है इट्स 562 बिलियन डॉलर, जो कि आज से ठीक एक माह पहले को तकरीबन 300 या 250 बिलियन डॉलर के करीब करीब नजर आ रहा था। द डे मैं किस डे पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आप देख लीजिएगा, इट्स द 30th नवंबर। तो इट्स जस्ट अ फंडामेंटल एनालिसिस के लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। मार्केट कैप इज बिकमिंग 562 बिलियन डॉलर। तो ये आप मार्केट कैप को स्टडी कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप से, इस पे हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। ओके अगेन, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स फेसिंग नाउ दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एक वॉल्यूम में हैवी वॉल्यूम के साथ ही आता है तो आपको एक अच्छी सर्च बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। और ये तो वीकली में हमने कहा है, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं वी विल बी कंसिडरिंग 4 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, 45 मिनट चार्ट। मैं तो सारे कंसिडर करता हूँ, अप टू 3 मिनट्स टू 1 आवर तक अगर हम मैंने कोई अच्छी ट्रेड हंट करनी है तो। लेकिन अगर आप हैं लेवरेज में नहीं हैं, आप स्पॉट ट्रेडर हैं, तो यू शुड बी एक्सप्लोरिंग 1 डे चार्ट, 1 वीक चार्ट और 4 आवर चार्ट, ताकि आप अच्छी स्विंग ट्रेड पकड़ें और एक इन्वेस्टमेंट करें एंड देन कीप होल्डिंग। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप काफी टाइम फ्रेम्स में निकाल सकते हैं। 4 आवर के चार्ट में यू विल बी फाइंड मैनी हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आपको जैसे यहाँ पर देखें कि ये एक रेजिस्टेंस थी इस पॉइंट पे, तो बिटकॉइन ने तोड़ी तो आपको एक सर्ज नजर आई। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस टूटेगी मे बी आप अगेन आपको एक अच्छा खासा सर्ज नजर आए। कुछ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ये है कि सबको पता है कि जी $20,000 तक ही गया था 2018 में और अभी भी यहाँ पे जाएगा और अगेन डंप हो सकता है, तो मे बी बुल्स कैन मैन्यूपुलेट और वो कहें जी ओके जी एवरीबॉडी देयर टू सेल, व्हाई नॉट कि हम इसको अगेन बाय करें और इतना बाय करें कि इसकी प्राइस को अप ले जाएं। तो इस मैनिपुलेशन पे आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही काम आएगी कि आपने कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस करना है। दैट्स व्हाई मैंने शुरू के लेक्चर में कहा था कि दिस लेक्चर कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर इन माई एंटायर कोर्स। तो कॉन्सेप्ट तो हमने ये समझना था कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हो। फॉर बिगिनर्स आई रिकमेंड 1:1 और 1.5 मैक्स टू रेशो 1। और ये आप अपना स्टॉप लॉस और भी कम कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने 1 पे ही जाके अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है। यू कैन देखें $10,000 पे आप एंट्री ले रहे हो और 9,600 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। यू कैन इवन पुट योर स्टॉप लॉस $9,800 और $9,900, ताकि आप जस्ट माइनर सी
लॉस के साथ अपने ट्रेड से बाहर आए हैं। और अगर आपने एनालिसिस इतना अच्छा किया हुआ है 10,019 डॉलर एंट्री के बाद कि ये आपको 300 डॉलर अप मूवमेंट या 500 डॉलर अप मूवमेंट दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाएं, मैंने बताया है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप ऐसे एक्टिव हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली आपका टेक प्रॉफिट बढ़ा देता है। आई होप कि आपको मुझे समझ आया होगा। मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा जिसमें मैंने स्टॉप लॉस, ओसीए एंड टेक प्रॉफिट के बारे में आपको बताया। तो डेट्स ऑल फॉर द डे। ये था मेरा रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट देने का लेक्चर, जिसमें मैंने बताया था कि यू शुड नो के हाउ मच यू आर रिस्किंग फॉर हाउ मच रिवॉर्ड। यू शुड नो कि आपके कितने विन्स कितने लॉस आपके डिसाइड होने चाहिए, ना कि जैसे जो गलती ऑनेस्टली में हम करते थे कि हमारी लॉसिंग हुई एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग अग्रेसिव ट्रेड्स। नो, नेवर। आपने अग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेनी कि नहीं जी हमने पैसे अपने नेक्स्ट ट्रेड से पूरे करने हैं। ओके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देते हैं कि जी मोर इन्वेस्टमेंट मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। नो प्लीज, इसमें हमने अग्रेसिव ट्रेड्स हम लेने नहीं आए। आप लॉन्ग टाइम अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नजर रखें कि मेरा लॉन्ग टर्म में कितने परसेंट मैं ग्रो किया हूँ, रादर कि आप शॉर्ट टर्म पे बिलीव करें कि जी आज मैंने मेरी ट्रेड बहुत अच्छी गई और मैंने इतने बना लिए, एंड देन द नेक्स्ट डे और मे बी द वेरी नेक्स्ट डे आप अगेन लॉस करें, इतना लॉस करें कि आप जितना प्रॉफिट बनाया था वो भी गंवा दें। ये बहुत बड़ी बात थी। आप जब ट्रेडिंग के बिजनेस में आएंगे, आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि यू शुड नो कि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, ताकि आपको पता हो कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ कितना विन कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।